हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मफिन्स, जैसे कि पिस्ता, बादाम, काजू, किशमिश, ऑल मिक्स ड्राई फ्रूट्स एंड चोको चिप्स एंड ड्राई फ्रूट्स, ड्राई केक बनाएंगे। मफिन्स एंड ड्राई केक आर द परफेक्ट गो टू ब्रेकफास्ट और स्नैक्स। स्टार्ट। मिक्सी जार में मैंने 1 1/4 बॉल दही ऐड किया है एंड 1 बॉल मैंने चीनी ऐड की है। चीनी की जगह आप हनी ले सकते हैं एंड 1 बॉल मैंने प्योर घी लिया हुआ है। प्योर घी की जगह आप फ्लेवरलेस आपको चाहिए तो आप रिफाइंड ऑयल यूज कर सकते हैं एंड 1 एग भी यूज कर सकते हैं, ऑप्शनल है। अब 1 पल्स तक इसको चलाएंगे, इसके बाद ये मिक्सचर आपका इस तरह से रेडी हो जाएगा। नाउ ऐड 2 बॉल मैदा, मैदे की जगह आप व्हीट फ्लोर भी ले सकते हैं। नाउ ऐड 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर एंड 1/2 टेबलस्पून बेकिंग सोडा। इसको मैं क्या किया है कि मैंने छान लिया है। क्यों छाना है? क्योंकि इससे अच्छी मिक्सिंग हो जाती है। ये टिप्स हैं छोटे छोटे, आपको ध्यान रखना। अब इसमें मैंने 1 टेबलस्पून किशमिश डाल दिया था, मिक्स कर दिया था। अब ये जो मैंने मिक्सचर तैयार करके रखा है इसको ऐड कर देंगे। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है 5 मिनट्स तक। कट एंड फोल्ड मेथड से इसको मिक्स करेंगे। इसको एक डायरेक्शन में घुमाएंगे एंड फिर अंदर की साइड इसको फोल्ड करते हुए हम घुमाते जाएंगे। तो ये किस तरह से होता है, कट एंड फोल्ड मेथड से इस कर लेंगे। आपको मैं छोटे छोटे टिप्स भी दे रही हूँ साथ में। अब ये क्या हो जाएगा, फ्लफी एंड लाइट वेट में हो जाएगा। इसके बाद ये आपका परफेक्टली रेडी हो गया है। अब इसको क्या करेंगे, मैंने मफिन्स मोल्ड्स में इसको डाल दिया है और मैंने पिस्ता से इसको गार्निशिंग कर दी है। ये मैंने काजू से गार्निश कर दिया है एंड इसमें मैंने बादाम से गार्निश कर दिया है। इसमें मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स मिक्स करके गार्निश कर रही हूँ। एक मैंने स्प्रिंकल्स से गार्निश किया है एंड अदर वन मैंने चॉको चिप से गार्निश किया है। ये सारे गार्निश इस तरह से गार्निश करके इसको आप प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15-20 मिनट्स के लिए बेक। अब इसमें मैंने 1/3 बॉल कोका पाउडर मिलाया हुआ है। ये मैंने हर्सीज का लिया हुआ है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। अब इसमें देख रहे हैं आप, छोटे छोटे से आपको कुछ पार्टिकल्स दिख रहे होंगे, मैंने इसीलिए इसमें बाद में मिलाया हुआ है। एक टिप है, इससे बहुत अच्छा टेक्स्चर आता है। अब इसको मैं इलॉन्गेटेड मोल्ड्स में डाल दूँगी क्योंकि मैं इलॉन्गेटेड ड्राई केक बना रही हूँ, तो इसको इसमें डाल देंगे। एंड इसके पहले मैंने क्या किया है, ये थोड़े थोड़े से सारे ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं और इसमें थोड़ा सा 1/4 टेबल स्पून मैं इसमें ऑल पर्पज फ्लोर या आप व्हीट फ्लोर भी, गेहूँ का आटा भी मिला सकते हैं। ये एक टिप है, मैं आपको बताती हूँ, ये बहुत इससे अच्छा एकदम लेयर आती है। ये मैंने मिलाया हुआ है, इससे इसको गार्निशिंग करने के बाद मैं एकदम ये नीचे कहीं भी नहीं जाते, इवनली एकदम लेयर में रहते हैं, बहुत अच्छा टेक्सचर देते हैं। ये मैंने मोल्ड में डाल दिया है एंड इसके बाद मैं इस पर सारे ड्राई फ्रूट्स और चोको चिप्स से गार्निश कर देंगे। स्प्रिंकल्स भी डाल देंगे इसमें एंड इसको भी 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्री हीटेड ओवन में 15-20 मिनट्स तक बेक करना है। चेक करने के लिए आप टूथपिक या फॉक का यूज़ कर सकते हैं। यदि ये क्लियर वापस आ जाता है तो इट मींस इट इज़ परफेक्टली कुक्ड। नाउ सॉफ्ट एंड फ्लफी मफिन्स एंड ड्राई केक रेडी टू ईट, मस्ट ट्राई।